He's my mom, guys. Hi. Finally. Hi. एक साल के बाद अपनी मॉम से मिला सकते हो. ओके, नमिश तीन लव इंटरेस्ट शो में पर कोई भी साथ में नहीं है आज आपके साथ, क्या है यार? यही तो रियल और रील में फर्क है. कौन सा वाला कैमरा तुम्हारा? सारे अपने. ओके चलो, तुम्हारा कौन सा? ठीक है, तो रियल और रियल में ये फर्क है. मैं ऐसा हो जाऊँ क्या? तो यार रियल लाइफ में तो कोई है नहीं ऐसी जो साथ आए, और रील वाली जितनी भी हैं वो बहुत बिजी है. सबको सिंगल का टैग चाहिए, आई थिंक सारी सिंगल आई हैं. तो बस कोई नहीं आई. ऑब्वियसली यार आज मॉम आई हैं साथ में. अरे कहाँ देखूँ मैं यार, मुझे कंफ्यूज मत करो. ये वाला अपना है, ये भाई अपना. कौन सा? अपना भाई. ओके अपना भाई. हाँ ओके अपना भाई. तो मैं नॉमिनेट हुआ हूँ गोल्डन डेब्यूट इन अ लीड रोल, और मुझे लग रहा है कि आई थिंक चांसेस हैं, क्योंकि मेरा लक मेरे साथ में आया आज. और अगर मिलेगा तो आई थिंक आज का दिन मेरे लिए मेरी लाइफ का सबसे लकी डे होगा. ओके फर्स्ट कर लीजिए, मिल गया. स्पीच से पहले मैं डांस करने वाला हूँ यार, मेरा फेवरेट स्टेप. उसके बाद हाँ स्पीच. हाँ तो हम कहाँ थे, हमारा अवार्ड. तो थैंक यू रश्मि शर्मा प्रोडक्शन एंड पवन सर एंड रश्मि मैम अगेन एंड रवि सर एंड आनंद जी, रुपेश, फिर जो मेन डिपार्टमेंट है मेरे मॉम और मेरे डैड, जिनकी वजह से मैं आज हूँ यहाँ पे आप सबके सामने. तो फाइनली मैं अपने मॉम और डैड को थैंक्स बोलूँगा, जस्ट बिकॉज ऑफ देम आई एम हेयर, और आज मैं जो कुछ भी हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ देम. बिकॉज इसमें जो भी मैं आज दिख रहा हूँ, मेरा लुक, मेरा फेस, मेरी स्किन, मेरी आइज, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है. ये आज अच्छी हैं इसलिए मैं अच्छा हूँ. मेरा बोलने का तरीका, मेरी वॉइस, जस्ट बिकॉज ऑफ देम मेरा कोई हाथ नहीं है. तो सारा जो मेरा अवार्ड है वो मेरे मॉम और डैड को जाता. यार सच बोलूँ या झूठ? सच बोलूँ या झूठ, मैं एक्साइटेड हूँ कि नहीं? यार अगर मेरा डांस होता तो मैं बहुत एक्साइटेड होता, पर फिर भी दे आर माई वेरी गुड को एक्टर्स, और दोनों मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं, और उन्होंने हमेशा मेरे को सपोर्ट किया है. तो थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ, बट इसलिए ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ बिकॉज दे आर वेरी गुड परफॉर्मर, और वो लोग डांस तो पागल है वो डांस के पीछे. तो आई नो कि वो अच्छा करने वाली है, बाकी सब ऐसे ढीले पीले पड़ने वाले हैं, तो ऐसे कोई टेंशन नहीं है. गिफ्ट तो मैं अपनी मॉम को क्या क्या देना चाहता हूँ क्या बताऊँ मैं, मेरा मुँह मत खुलवाओ. पर अभी अगर मैं अपनी मॉम को गिफ्ट देना चाहूँ तो मम्मा को एक लंदन का ट्रिप देना चाहता हूँ, जिसमें अगर मेरा ऑफ हुआ, वैसे तो ऑफ मिलता नहीं हम डेली सोफ वालों को, बट अगर मेरा ऑफ हुआ तो आई थिंक एक हफ्ते का मैं गैप लेके मम्मी को लंदन लेके जाऊंगा और बहुत सारी शॉपिंग कराऊंगा. और मम्मी को गोल्ड बहुत पसंद है, आप देख सकते हैं. मम्मी अपना हाथ दिखाओ जरा. तो मैंने तो उतरवाया है, मेरे के लोगों को लगे बहुत रिच हूँ मैं, भाई उतार लो, कहीं मेरे को किसी ने किडनैप कर लिया तो. मैंने कहा मम्मी उतार लो. तो फिर क्या कहा था मैं? हाँ गोल्ड 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 में था. तो मैं मम्मी को गोल्ड दिलाऊँगा बहुत सारा. वैसे आंटी, नमिश ने काफ़ी कुछ कहा है आपके बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे जब आपने आज ऐसे काम कर दिए? अच्छा लगा, वर्ड्स ही नहीं होंगे. अच्छा लगा, वर्ड्स हैं क्यों नहीं है, बेटा है बेटे के लिए, माँ के पास वर्ड्स नहीं होंगे, होंगे ना, बस तरक्की करे. और आज मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, मेरे अंदर जितनी भी एक्टिंग कूद कूद के भरी है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ देम मम्मी मेरी थिएटर करती थी बहुत पहले. तो थैंक यू गाइस, थैंक यू.